साथ ही हम आम जन को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि गायों के लिए ये जो हम लोगों ने मुहिम चालू करी है, आप लोग भी हमसे जुड़िए, नहीं तो डायरेक्टली भी आप लोग अपने आसपास की गायों के लिए ये इस तरह के औषधीय लड्डुओं का वितरण कर सकते हैं। लंपी वायरस से गौ माता को बचाने के लिए समाज सेवी संस्थाएं जुटी हैं प्रयास में। अजमेरू लेडी सोशल सोसाइटी के सदस्यों ने गौ माताओं को खिलाए औषधि युक्त लड्डू। प्रदेश भर में तेजी से पैर पसार रहे लंपी वायरस से ग्रसित गौ माताओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में इस बीमारी से अछूती रही गौ माताओं को बचाने के लिए कई समाजसेवी संस्थाएं आगे आ रही हैं। इन्हीं के बीच अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की सदस्यों ने मंगलवार को बछवारस के मौके पर गाय बछड़ों की पूजा न करके उनके स्थान पर गौशालाओं में जाकर वहां मौजूद स्वस्थ गायों को बीमारी से बचाने हेतु औषधि युक्त सामग्री से तैयार लड्डू बनाकर खिलाए। अजमेरू लेडीज सोशल सोसाइटी की सदस्यों ने बताया कि इस वक्त लंपी वायरस गायों की मौत का मुख्य कारण बना हुआ है। सरकार इसे काबू करने में नाकाम रही है, लेकिन यदि समय रहते इस बीमारी से ग्रसित होने वाली गायों को आयुर्वेदिक औषधि युक्त दवा और उससे निर्मित चारा बाटे व दवाइयों का छिड़काव बाड़ों में कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक बचाव किया जा सकता है। इसी को लेकर आज लोहागल रोड स्थित पुष्कर आदि गौशाला में औषधि युक्त लड्डू बनाकर गौ माताओं को खिलाए गए और उनके लिए भगवान से प्रार्थना की गई कि गौ माताओं को जल्दी स्वस्थ करें। अजमेरू सोशल सोसाइटी अजमेर के द्वारा जो लंपी वायरस से गायें ग्रसित हो रही हैं उसके लिए पुष्कर गौशाला के अंदर हम लोगों के द्वारा अजमेरू सोशल सोसाइटी के द्वारा औषधीय लड्डुओं का वितरण किया जा रहा है, ताकि गायों को जो लंपी वायरस के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसमें कुछ हम अपना योगदान देना चाह रहे हैं। साथ ही हम आम जन को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि गायों के लिए ये जो हम लोगों ने मुहिम चालू करी है, आप लोग भी हमसे जुड़िए, नहीं तो डायरेक्टली भी आप लोग अपने आसपास की गायों के लिए ये इस तरह के औषधीय लड्डुओं का वितरण कर सकते हैं। आपका नाम? सारिका चंद्र। हमारी संस्था अजमेर की एक 1907 से संचालित पुष्कर गौआदि पशुशाला में आके जो अभी लंपी ग्रसित गायें हैं उनके उपचार में अपना योगदान दे रही हैं, सहयोग कर रही हैं। सबसे पहले तो जनता, आम जनता से हमारी अपील है कि या तो हमारे साथ जुड़े, या आपको कहीं पे भी कोई भी गाय दिखती है ऐसे बीमारी से ग्रसित, तो आप इससे बिल्कुल इफेक्टेड नहीं होंगे और आप प्लीज़ इनके उपचार में सहयोग दें। उपचार के हर प्रकार की विधि हमारे ALSS के द्वारा सब जनहित में जारी है। ये एक गौशाला है जो 1907 से संचालित है, जिसके 4 ब्रांचेज हैं, एक पुष्कर में, पुष्कर रोड पे, ऋषि घाटी पे, और एक यहाँ लोहागल में। यहाँ कम से तकरीबन 20-25 गायें लंपी ग्रसित हुई हैं। अब करीब करीब सभी सही हैं, सभी स्वस्थ हैं। हम उन्हीं के उपचार के लिए और बाद में आने वाली उपचार सामग्री को उनको तक पहुँचाने के लिए और उनसे लाभ होने के लिए यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। मैं अदिति, अजमेरू लेडी सोशल सोसाइटी की। आप किस तरह की जो महिलाएं हैं, क्या बनाया है और किस तरह इनका? हमने इनके लिए एक उपचारिक औषधीय लड्डू बनाए हैं, जिसमें हमने घी, काली मिर्ची, हल्दी, मेथी दाना, इस तरीके की और 5-6 सामग्री मिक्स करके इनको दे रहे हैं, जिससे इनका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। एज वेल एज हम आने वाले कुछ दिनों में चापड़ की व्यवस्था करेंगे, जो छोटे छोटे जो बछड़े हैं उनके लिए बड़ी ही लाभप्रद है, और जो उनको देंगे तो वो वही खाएंगे, क्योंकि लड्डू जो छोटे बच्चे वो नहीं खा पा रहे हैं, तो उनके लिए चापड़ की व्यवस्था की जा रही है। इस तरीके से इनके इम्यून को बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है इससे गायों का इम्यून ही माइनस हो रहा है, उसी से वो ना कहते हुए भी कहना पड़ रहा है कि मौत के मुंह में जा रही है। उसको बचाने के लिए, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये औषधियाँ दी जा रही हैं उन्हें। लोगों के लिए क्या आग्रह करना चाहिए आप? लोगों से आग्रह करना चाहूँगी कि आपके आसपास कोई भी आपको ऐसा बाड़ा, गौशाला, या आपके घर के पास ही बहुत ही छोटी छोटी सी सामग्रियाँ, आप इन्हें मिलाएं, इनसे नहीं मिला सकते तो खुली ही गाय को खिलाएं, या इसकी रोटी बना दें, कैसे भी करें, और आप इनको, इन गायों को दें तो उनको उपचार, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आप दें, उनके इम्यून ही बढ़ेगा, क्योंकि ये अभी इस पर पूरी तरीके से हम कहें कि रोकथाम नहीं हुई है, या अभी भी इसका वैक्सीन आना भी बाकी है। तो आपको जैसी भी गाय दिखें आप ज़रूर खिलाएं, फिटकर ही अपने घर में रखें, पानी में घोल के रखें, गायों पे छिड़काव करें, गाय भागेंगी आपको पकड़ना लिए, आप अपनी सहूलियत से आप उन पे छिड़काव करते जाएं और उनको इस इन्फेक्शन से दूर रखें। आपकी संस्था में कितनी महिलाएं हैं जो आपके साथ यहां पे आई हैं? तकरीबन हमारी संस्था में 31 महिलाएं हैं, और अमूमन सभी आई हैं, सबने ही योगदान दिया है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि सब अपने अपने हाथों से लड्डू बना के खिलाना चाह रही है। व्यवस्था बाहर से भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, सब अपने ही हाथ से खिला के बना के और गायों को खिलाना चाह रही है। पुष्कर आदि गौशाला के व्यवस्थापक राजेश पाराशर ने बताया कि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत स्वस्थ गायों की देखभाल की है।
उन्हें बीमारी से बचाने के लिए पहले ही गॉट पॉक्स का इंजेक्शन लगाया जाना आवश्यक है। साथ ही गायों के बाड़ों में फिटकरी व अन्य औषधि युक्त छिड़काव करने के साथ ही आयुर्वेदिक औषधियों से युक्त चारा खिलाकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है, जिसमें समाज सेवी संस्थाओं को आगे आकर गायों की सेवा करनी चाहिए। श्री पुष्कर गोवादी पशुशाला लोहागल है, इनकी चार ब्रांचें हैं, एक पुष्कर और एक हमारे लोहागल, एक मासून और एक पुष्कर। इसकी व्यवस्थाओं में हम लोग सभी यहाँ स्टाफ और दानदाता और सहयोगी जन आकर के रोज़ सेवाएं कर रहे हैं और अपना अपना समय दे करके गायों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी लिम्पी बीमारी एक ऐसी चली है जो पूरी जानलेवा है। मतलब गाय को या तो जान लेके ही छोड़ेगी, या वो अगर सही समय रहते उसका उपचार हम लोग कर लेते हैं तो उससे वो ठीक हो सकती है। आपका नाम? राजेश पाराशर, व्यवस्थापक श्री पुष्कर गोवादी पशुशाला।